देख सकते हो ये जबलपुर से आया हुआ गरीब नवाज का चादर, पूरा ताज बना हुआ गरीब नवाज का। सो गाइस आप लोग देख सकते हो ये जबलपुर का है गरीब नवाज का गुम्बद। सो गाइस पूरे गरीब नवाज का अस्ताना शरीफ बना हुआ है, इसमें देख सकते हो आप लोग। माशाल्लाह ये काई से बना, चांदी से बना हुआ पूरा है, चांदी का बना हुआ भाई। किस चीज से बना हुआ ये? स्टील का बना हुआ है माशाल्लाह। ये पूरा जबलपुर से आया हुआ स्टील से बना हुआ है माशाल्लाह, पूरा अस्ताना शरीफ बना हुआ गरीब नवाज का, आप लोग देख सकते हो गाइस। पूरा स्टील से बना हुआ देख सकते हो आप लोग। आपने अभी जो देखा कि वो चादर थी, चादर नहीं था, वो आस्ताना शरीफ था जो दरगाह शरीफ में गया, वो क्या नाम है वहाँ का है, क्या बोलते हैं, जबलपुर का है, जो आस्ताना शरीफ बना के लेके गए वो जबलपुर का पूरा स्टील का बना हुआ था। सो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्या बोलते हो, जो अभी चादर आ रही है वो चादर ब्यावर से आ रही है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो ब्यावर से चादर आने वाली है और वो आगे है, मैं अभी आप लोगों को कैमरा घुमा के दिखा दूँ वो चादर जो ब्यावर से आ रही है। सो गाइस बहुत बड़ी चादर है ये, ब्यावर से हर साल आती है और ये 9 तारीख के आसपास आती है ब्यावर से, और बाकी जो जबलपुर का गया वो तो देख ही लिया आप लोगों ने। तो गाइस आप लोग देख सकते हो अभी तो मैंने दिखाया जबलपुर की वो आस्ताना शरीफ था, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ब्यावर की चादर जो आगे आ रही है। ये हर साल ब्यावर की चादर आती है, बहुत बड़ी चादर होती है, जो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा चादर। सो गाइस आप लोग देख सकते हो ये क्या बोलते हैं ब्यावर की चादर आ चुकी है, ब्यावर की चादर है ना भाई। सो गाइस आप लोग देख सकते हो ये ब्यावर की चादर आ चुकी है, जो मैं आप लोगों को अभी कैमरा घुमा के दिखाऊंगा, ये ब्यावर की चादर है, ये हर साल इसी महीने में। सो गाइस अभी मैं दिखाता हूँ, बहुत शानदार चादर है ये, हर साल हर महीने आती है, बहुत शानदार चादर है ब्यावर की चादर, मतलब बहुत बड़ा सूरत का। आप लोग देख सकते हो ये ब्यावर की चादर है माशाल्लाह, ये पूरे ब्यावर की चादर है भाई।
हैं यहाँ पर करता हूँ अंदर कैसे क्या लाइटिंग हुई है और क्या चल रहा है अभी सबको दिखाता हूँ। कवाली वाली चल रही होंगी तो वो भी दिखाऊंगा। आप जाता हूँ और वहाँ पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ और क्या चल रहा है अभी सबको दिखाता हूँ। कवाली वाली चल रही होंगी तो वो भी दिखाऊंगा है ना। आप जाता हूँ और वहाँ पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग देख सकते हो ये दरगाह का मेन गेट है, इसका नाम निजाम गेट है। सो देखो माशाल्लाह कितना शानदार सजावट हुई हुई है और अच्छा है यार, सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी सजावट देख सकते हो आप। सो गाइस बहुत प्यारा मंजर है माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा क्राउड है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। सो अभी मैंने दरगाह का जो मेन गेट दिखाया आपको दिखा दिया और अब मैं जा रहा हूँ रेलवे क्या बोलते हैं अढ़ाई दिन के झोपड़े की तरफ जाता हूँ एंड आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ वहाँ का कैसा क्या सीन है और कैसा लग रहा नज़ारा। सो अभी मैं कैमरा घुमा लूँ। फाइनली हम त्रिपुरिया गेट नाम है ना इसका। सो गाइस फाइनली हम त्रिपुरिया गेट पहुँच चुके हैं एंड अभी ढाई दिन के झोपड़े पहुँचने वाले हैं वो भी दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है यार, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। अभी रात के तीन बज रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है। अगर दिन का टाइम होता या सोचो आप कितना, मतलब टाइम होता तो आप कितना क्राउड होता इसमें, बहुत ज़्यादा भीड़ होता। सो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने बताया ना आपको त्रिपुरिया गेट पहुँच चुका हूँ और अभी रात के 3-4 बजने वाले हैं और अभी भी इतनी पब्लिक है जो कि इतना क्राउड है, जो कि अभी 9 का कुल चल रहा है। सो गाइस देखो यार इतनी पब्लिक, इतनी भीड़ हो रही है। बाकी मैं आप लोगों को कैमरा घुमा के दिखा दूंगा कि कितना क्राउड हो रहा है और कितना भीड़ हो रहा है, दिखा दूँगा। मैं इमामबाड़ा के पास, मतलब मस्जिद भी है और इमामबाड़ा भी है ढाई दिन के झोपड़े के गेट के पास। सो गाइस मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ, ये रात के 3 बजे का टाइम है और मैं आप लोगों को कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ कैसा क्या सीन है। मतलब यहाँ तो सिर्फ धुआं ही उड़ रहे हैं और चिलम के और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ तो। हाल फिलहाल तो अभी गेट बंद चल रहा है, मतलब नाइट में क्या पता कितने बजे गेट बंद हो जाता है यहाँ पर। अगर कोई यहाँ का होगा तो उससे पूछ के बताता हूँ यहाँ पे कितने बजे। आप लोग देख सकते हो नाइट के 3 बज रहे हैं और ये गेट तो शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। मतलब अगर आप चाहो कि ढाई दिन का झोपड़ा रात को भी खुला रहता है तो नहीं खुला रहता, सिर्फ दरगाह खुली रहती पूरी रात। दरगाह का मेन जो आस्थान है वो बंद हो जाता है, पर 9:20 पे बंद हो जाता है दरगाह का मेन आस्थान, बाकी तो खुला रहता है। इसे कोई दिक्कत नहीं, पूरी दरगाह में आप घूम सकते हो पर मेन आस्थान में नहीं जा सकते वो, क्योंकि बंद हो जाता है। और वो सुबह 5 बजे शायद खुलता है ना, सुबह 5 बजे वो आस्थान खुल जाता है। बाकी ये ढाई दिन का झोपड़ा ये 5 बजे खुल जाता होगा यार, है ना, 5-6, 5-5.30 बजे के मतलब नमाज के जो आसपास होता है ना टाइम, सो उस समय ये ढाई दिन का झोपड़ा भी खुल जाता है। पर अभी नहीं खुलेगा क्योंकि अभी तो नाइट है और अंदर क्या देखोगे यार। मुहर्रम के नाइट में मतलब 10 दिन तक पूरा ही खुला रहता है ढाई दिन का झोपड़ा। बाकी आम टाइम में कभी अगर आप चाहो कि नाइट में ढाई दिन का झोपड़ा देखो तो नहीं देख सकते, बाकी बंद रहता है और ये सिर्फ खुलता है मुहर्रम के 10 दिन तक लगातार खुला रहता है। अच्छी लाइटिंग वाइटिंग भी होती है, मैंने देखा है कई बार आया हुआ हूँ यहाँ पे। हाईदोस होता है और मतलब मुहर्रम का हाईदोस होता है और खुला रहता है और लाइटिंग भी अच्छी रहती है यहाँ पर, मैंने देखा हुआ है। सो गाइस फाइनल आप लोग देख सकते हो ये अभी नाइट का सीन है जो कि बंद पड़ा है, कुछ पब्लिक वब्लिक थोड़ी बहुत ऐसी बैठी हुई है एंड गेट जो शाम को 6 बजे बंद हो जाता है मैंने बताया था। ये ढाई दिन के झोपड़े का बाहर का सीन है और मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पार्किंग है, जो अभी पार्किंग नहीं रह गई क्या यहाँ पे दुकान उकान हो गई है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो पार्किंग नहीं है ये सीन है यहाँ का, एक सीन यहाँ पे अभी सारी दुकान उकान बन गई है। ये ढाई दिन के झोपड़े के ऊपर से खड़े होकर सीन ले रहा हूँ मैं, नाइट के 3 बजे अभी और अभी भी चेहर फैले माशाल्लाह और ये गेट तो बंद हो गया है। तो गाइस ये हलवा पराठे की दुकान है, रात के 3 बजे सो ऐसा दिख रहा है, पर अगर आप लोग हलवा पराठा खाना चाहते हो ना अजमेर में, क्योंकि पूरे अजमेर में आपको हलवा पराठा नहीं मिलेगा, सो अगर आप लोग हलवा पराठा खाना चाहते हो तो आप मेले में आओ उरुस में। भाई उरुस के हर साल में लगता है ना हलवा पराठा। सो गाइस उरुस के हर साल में हलवा पराठा लगता है यहाँ पर और उसके बाद में आपको हलवा पराठा खाने को नहीं मिलेगा और उसके पहले भी नहीं मिलेगा। पूरे अजमेर में आप ढूंढ के चक जाओगे हलवा पराठा नहीं मिलेगा और उस में तो मिल जाएगा आपको। देख लो ये हलवा है और ये पराठा है, पर अभी थोड़ा सा रात का समय यार 3 बज गए, सुबह बना था वो, पर फ्रेश माल मिलेगा इंशाल्लाह। आप आओ और भजिया जी भी रखते हो ना, भजिया जी भी मिलेगा। और ये क्या है, चिकन बिरयानी, बिरयानी भी है, चाय की सुविधा भी है, सामने भाई ने चाय भी लगा रखी है। सो गाइस सब कुछ मिलेगा इधर और मदद और
आपने देखा ये बाबा जो था ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, ये सवाल ही करता है, गरीब नवाज से सवाल करता है एंड ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, ये खुद मेहनत करता है एंड सवाल करता है। अगर इसकी कोई मतलब एक साथ सवाल कोई पूरा कर देवे तो ये घर चला जाता है, नहीं तो सवाल ही करता रहता है। तो गाइस जो सवाली पीछे सवाल कर रहा था ना, सो वो सवाल गरीब नवाज से करता है। सो गाइस क्या होता है कि मतलब जैसे कि ये सवाली किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, ये गरीब नवाज से सवाल करते हैं और कोई ना कोई अल्लाह का बंदा नेक आता है जो गरीब नवाज इनके पास भेज देते हैं और वो सवाल इनका पूरा कर देता है। इनका सवाल 1 लाख का भी हो सकता है, 50,000 का भी हो सकता है, 10-20,000 का भी हो सकता है, राइट चाचा? तो 10-20,000 का भी हो सकता है। सो इनका सवाल अगर कोई बंदा पूरा कर देता है, ये पूरी रात अभी पूरी रात रहेंगे ना चाचा, तो ये पूरी रात रहेंगे और जो बंदा इनका सवाल पूरा कर देगा फिर ये बंद कर देंगे। तो अभी ये सवाल गरीब नवाज से कर रहे हैं एंड इनका सवाल पूरा हो जाएगा तो बस कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आएगा और इनका सवाल पूरा करके जाएगा जो 10-20,000 का होगा या शायद 1 लाख भी हो सकता है और ये 50,000 भी हो सकता है। सो गाइस आज की वीडियो हमारी हो चुकी है फाइनल। जो अभी मैंने बताया था 2.5 दिन का झोपड़ा भी रात को खुलता ही नहीं है जो भी है। सो गाइस मेरी वीडियो तो हो गई है फाइनल। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, वायरल करो एंड कमेंट करना मत भूलना, कमेंट भी करो। आज जो भी मेरे से बाय मिस्टेक होती है ना वीडियो के अंदर वो भी मेरे को बताओ, कमेंट करके मेरे को बताओ जो भी मिस्टेक होती है। भाई को सपोर्ट करो भाई को इंशाल्लाह। तो जो भी बाय मिस्टेक हो रही है ना वो मेरे को कमेंट करके बोलो, मैं उस बाय मिस्टेक को सही करूँगा।